नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से जुड़ी जमीन की खरीद में घोटाले के आरोपों को लेकर विपक्ष पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है और लगातार इस मामले में एक्शन लेने के लिए सरकार से मांग कर रहा है। इस पूरे मामले में ट्रस्ट पूरी तरह से घिर चुका है और पूरे विपक्ष के निशाने पर आ गया है। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा इस पूरे विवाद पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। सभी आरोपों को ट्रस्ट ने विपक्षी पार्टियों की साजिश बताया है। ट्रस्ट की ओर से केंद्र सरकार के अलावा भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें जमीन खरीद के बारे में सभी जानकारी दी गई है और समझाया गया है कि कैसे दाम अलग अलग है। इससे पहले भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सफाई दी जा चुकी है। मंगलवार को ट्रस्ट ने जमीन खरीद को लेकर कुछ फैक्ट जारी किए गए। इनमें दावा किया गया कि जो जमीन ली गई है वो प्राइम लोकेशन पर है, इसलिए उसके दाम अधिक है। जितनी जमीन की खरीद हुई है उसका दाम 1423 प्रति स्क्वायर फीट है। इस डील को लेकर 10 साल से बात चल रही थी, जिसमें 9 लोग शामिल थे। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा अयोध्या में जमीन की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सोमवार को बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच वाक युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की और भगवा पार्टी ने इसे मंदिर निर्माण को बदनाम करने का एक प्रयास करार दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।